Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Molly and this video is going to be a study vlog. It's been a while since I uploaded any study vlog because I had my trek, farewell and a lot of events. So let's begin with the video. Doing is chapter 1 haloalkenes and haloarenes. हम केमिस्ट्री को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं. तो बेसिकली अभी मैंने थोड़ी सी रिएक्शंस करी जितनी ही पॉसिबल हो सकती थी चैप्टर 1 से. अब मैं उसकी रीजनिंग क्वेश्चंस देख रही हूँ जो कि मैंने इस वाले नोट पैड में लिख रही हूँ. ये नोट पैड की एक स्पेशलिटी बताती हूँ. स्टिकी नोट के फॉर्म में है, इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से और इसको नोटबुक में चिपका सकते हैं. तो मैं सारे रीजनिंग क्वेश्चन जो मैंने कभी नहीं छुए थे वो मैं कर रही हूँ. ऑब्वियसली आप देख सकते हो, लैपटॉप से भी आंसर निकाल रही हूँ कोई कोई. बाकी मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाल रहा है, शायद से फटने वाला है, जस्ट लाइक माई ब्रेन. And after that, I took a break and I expected it to be a short break, but it wasn't. Then I finally somehow convinced my mind to start studying again. So I started up with the chapter Aldehydes, Ketone and Carboxylic Acid. Since I started this chapter 12 a.m. onwards, it was more or less completed by 3:30 a.m. I know my sleep schedule has been ruined, but let's make a resolution for 2024 and that is to sleep on time and wake up on time. Not even sure whether I will upload this video, but in case this video got uploaded, then cheers, congratulations Molly, you did it. Because मैं तो ऐसे ही बीच में रिकॉर्ड कर रही हूँ जो मुझे लग रहा है. ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं, मैं उसे एडिट करूँगी स्पेशली, बट हाँ अगर टाइम मिलेगा मैं एडिट ज़रूर करूँगी. बट या राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग गना शो यू. आज मैं अपना चेहरा दिखा नहीं रही ब्लॉग में ज़्यादा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ऐसी शक्ल हो रखी है. तो आई एम डूइंग चैप्टर, सो राइट नाउ आई एम डूइंग द चैप्टर एसिड आल्ट क्या था सो राइट नाउ आई एम डूइंग दिस चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड ये सो मैंने कर ली है. अब मैं पी वाई यूज़ कर रही हूँ. कल रात को मैंने सारी रिएक्शंस करी, अब मैं पी वाई यूज़ कर रही हूँ ये जानने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्या आ सकता है. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. आई हैव नेवर टेस्टेड रामेन एंड एवरी टाइम आई वाज लाइक टेलिंग माय मदर अबाउट दीज नूडल्स, बट दिस वाज ओरिजिनल जापानीज रामेन, सो यू वेरी वेल नो हाउ इट टेस्टेड. एंड ड्यूरिंग विंटर टाइम्स इट इज सो डिफिकल्ट टू स्टडी बिकॉज इट्स सो कोल्ड एंड आई ऑलवेज फील स्लीपी. Thank you.
Since there is only 1 month left for boards, you definitely might be searching for some good material. So here I have come up with ebooks for class 10th as well as for class 12th. For class 10th ICSE, I have full syllabus notes of English language. इसमें आपके सारे formats, सारे exercises cover होंगे. Next है हमारी ICSE 10th की physics की ebook, जिसमें आपको सबसे important question bank मिलेगा. Next है chemistry full syllabus reactions for class 10th ICSE. इसमें आप एक ही बारी में सारी reactions revise कर सकते हैं. And for class 12th ISC, I have physics ebook. These are my handwritten notes and trust me, अब तक की मेरी best ebook है. Most 12thies might be going to coachings. And syllabus तो आपका सेम ही होता है कोचिंग और 12th क्लास का, बट इसमें डिफरेंस क्या है, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, बाकी डेरिवेशंस भी आपको सीखनी पड़ती है, तो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है. बी ए डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ इसमें कवर है. एंड इन सारी ebooks का ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट है, सो बाय देम नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. It is the next day, that is, it is 25th December and it is currently 12:45 and I have completed a chapter, revision of the chapter, aldehyde, ketones and carboxylic acid. अब मैं कन्फ्यूज हूँ कि मैं बायो की जेनेटिक्स स्टार्ट करूँ या फिर फिजिक्स का रिविजन करूँ, क्योंकि फिजिक्स का रिविजन में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आज, क्योंकि मुझे आती नहीं है फिजिक्स यार. I will probably start with genetics or biology or all derivations short of physics, I'm not sure, but हाँ बताना वीडियो में मैंने कितने बार स्टिकी नोट चिपका दिए. मतलब प्रॉब्लम पता क्या है, सुनो, जब तुम्हारे लास्ट लास्ट में बोर्ड्स आने वाले होते हैं, ऑब्वियसली बात है नोट्स तुम बनाने नहीं वाले हो. वैसे भी इस बार जो नोट्स बने हैं वो मेरे से स्कूल वालों ने बनवाए हैं आई मीन, ठीक है, बाकी मैंने खुद से कोई नोट्स आज तक बना नहीं रखे हैं. हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक के ज़रूर बना रखे हैं मैंने. और अब लास्ट लास्ट में ऐसा है कि रिविजन करना होता है, अब तुम्हें बाई चांस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख गया जो मैं स्टिकी नोट में लिख देती हूँ. बाकी ये तो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन से, पता नहीं क्यों, हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, बट हाँ मैंने इसको लिख दिया है और अब मैं अपनी करेंटली मेरी पूरी बुक स्टिकी नोट से भर चुकी है. लास्ट मिनट रिविजन की टेक्निक है, स्टिकी नोट लो, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, समराइज करो, जो तुम गलत करते हो अपने यूजुअली टेस्ट में जो गलत करते हो उसको, उन मिस्टेक्स को लिखो ताकि तुम वापस रिपीट ना करो. एक छोटा सा पॉइंट बचा है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तब देखते हैं हम क्या करते हैं. Still a lot is left for revision. मैं इतने दिनों से हेलो एल्किन्स करके बैठी हूँ कि तो ये है मेरे डेरिवेशंस, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये एंड एक ये. सो आई हैव टू डू ऑल दीज. लेट्स गो. Later on, I realized that I should allot specific number of days for physics, and that could be done only when I did the full syllabus of chemistry, like the revision part. ये शेफ सिया, रुक यहाँ से नहीं करना, तू गिरा देगी, ऐसे करके नहीं डालते. रुक मैं ही डालती हूँ यार, छोड़, तू साइड हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा. अरे ऐसे क्यों कर रही, अरे यार. सो दीज आर द एग्स एंड दिस इज द मैगी एंड हम बनाने वाले हैं अंडा मैगी. क्यों सिया? ओह अंडा मैगी मैं मिक्स कर दिया, वाह अंडा मैगी. नीचे भी दिखाना. वाह अंडा मैगी, हम खाएंगे अंडा मैगी. ओह गॉड, ये हमने क्या बना दिया है आज. सिया का मैंने बनाई है. क्रिसमस वाली वाइब्स तो ये दो दे रहे हैं. दोनों हर दिन मैचिंग कपड़े क्यों पहनते हो? अच्छे से कर लो.
I just completed the reactions of organic compounds containing nitrogen. Now I'm gonna have a break of maybe 30 minutes because you know that break bahut der tak extend ho jata hai. 30 minutes ho jati hai. But maybe 12:56 or something like that. I will be back to studying the same chapter. इसमें कोई कोई मैंने थ्योरी पार्ट छोड़ा है, assertion reasoning question छोड़ा है. Let me just show you what I'm doing right now. So ये मैंने just अभी यहाँ तक complete करा है. बाकी reasoning बहुत सारी चीज़ें still बची है, PYQs भी देखने हैं मेरे को. तो ये मैं कर रही थी. So it was the next day and due to certain reasons I wasn't able to record in the morning as well as in the evening. It was already dark outside and I started with biology chapter genetics. At the last, I like to go through my to-do list to see whatever I have done. By the way, I write the most important tasks at the top followed by lesser important ones. So that was all for the study vlog. Sorry for uploading this video late. Comment down Mollywasi in case you watched the video till the end. Like this video, subscribe to my channel, hit the notification bell for the latest updates. Bye!